हम उनका ये हो गया है ना, 10 नंबर होगा, 11 नंबर से सिर्फ पहले क्वेश्चन से वो समझते हैं, फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन में जाएंगे, है ना। पहले 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बोला एक पार्टिकल है जिसका मास एम है, ठीक है। एक पार्टिकल होगा हमारे पास जिसका एम मास होगा, वो प्रोजेक्ट हो रहा है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन वाला केस है, ठीक है। और इसका क्या हो जा रहा है ना, कुछ वेलोसिटी होगा, जो कि वेलोसिटी क्या भी, भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के भी है, ठीक है। कि भी इक्वल टू के भी, जहाँ पे भी क्या है, मास के वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब इसके बाद बोल रहा है बता, अगर अगर बोल रहा है कि उसका मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस क्या होगा, ठीक है। तो मैं क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन स्पष्ट है कि एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, भी वेलोसिटी के साथ फेंका गया है, उसका मास एम है, तो बताओ उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा अगर सरफेस से उसे फेंका गया हो। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। चलो तो दूसरा क्वेश्चन देखो हम लोग का क्या बोल रहा है, 12 नंबर। ये एक सर्किट हो जाएगा, ठीक है। इस सर्किट में देख सकते हो ये पी टर्मिनल है, ये एम टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है। और यहाँ देखो 4 ओम है, 3 ओम है, 0.5, 0.5, 1 ओम है। तुमको बोल रहा है कि अगर 4 ओम वाला रेजिस्टर में, ठीक है, एक मान लेते हैं कि हमारे पास 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी है, तो तुमको और पी और एम के बीच में, और डायरेक्ट सोर्स से ये जुड़ा हुआ है पूरा सर्किट, ठीक है। तो तुमको बताना है कि एन और एम के बीच में क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ बोलने से, कैसे ना, 4 × 1 गुना कर दोगे तो 4 एम्पियर आ ही जाएगा, तो यहाँ का 4, सॉरी एम्पियर वोल्टेज, यहाँ का 4 होगा तो यहाँ का भी 4 होगा, फिर यहाँ का निकाल लेंगे, फिर यहाँ से गुना करके निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन को आगे आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सीधा आंसर है कि हमारे पास एक स्मॉल वोल्टेज सिग्नल है, एक स्मॉल वोल्टेज सिग्नल है VT, VT इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 साइन ओमेगा टी, वो अप्लाइड हो रहा है अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर सी में। तो इस समय इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सिर्फ डी नंबर सही है कि ना, एक जब फुल साइकिल हो जाता है ना किसी कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर कंज्यूम नहीं करता है थोड़ा सा भी एनर्जी, तो ये सीधा सीधे आंसर हो जाएगा, है ना। इसके अलावा हमारे पास देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमारे पास एक सर्किट है, देख सकते हो ये एक हमारे पास स्विच है, ये एक स्विच है ना, और यहाँ पे LED लगा हुआ, यहाँ अर्थिंग किया हुआ, यहाँ वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ, ये रजिस्टर है। तुमको बोल रहा है कि इसको देख करके बताओ कि इनमें से कौन सा बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंट करता है कौन से गेट को, ठीक है। अगर इसको बारीक से ध्यान पूर्वक देखोगे ना, सिर्फ ए को ही अगर ओपन कर दोगे ना तो ही ये जल जाएगा, अगर सिर्फ बी को ही ओपन कर दोगे तो भी ये जल जाएगा, क्योंकि देखो कनेक्शन पूरा पूर्ण है एक साइड एक साइड में, या फिर अगर दोनों को ही ओपन कर दो ना तो भी ये LED जल जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है, ठीक है, नैंड गेट में ऐसा होता है ना। अब इसके बाद देखो बोल रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक इंसान एक बॉल को फेंकता है वर्टिकली ऊपर की ओर, ठीक है। बोलता है कि वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल 2 सेकेंड, एक बॉल फेंकता है, फिर दूसरा वाला बॉल, फिर तीसरा बॉल, फिर चौथा बॉल, हर 2 सेकेंड में ये बॉल फेंकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में तुम्हारे पास इसका क्या बोल रहा है ना, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट टाइम, ठीक है। क्या होना चाहिए स्पीड जिससे स्काई में एक समय पे 2 बॉल हमेशा रहेगा, है ना। तो इसका हम लोग स्पीड वेलोसिटी इक्वल टू यू माइनस जीटी का फॉर्मूला। इसके अलावा अगर तुम देखो ये वाला हमारे पास एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच इज बेस्ट सुटेड टू ऑब्जर्व, ठीक है, ए पार्टिकल ऑफ रेडियस इतना, किसी पार्टिकल का रेडियस दिया हो 3 × 10⁻⁴। तुम इसे बोल सकते हो उसका वेवलेंथ का जैसे काम कर सकते हो। अब ये सिर्फ और सिर्फ लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास चाहिए सी इक्वल टू हमारे पास सी बाय फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला से पुट करके हमको सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकाल के देना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर पार्टिकल का रेडियस ये होगा, साधारण नहीं, वो हमारे पास ये है, ये भी इक्वल टू, मतलब ये हमारे पास सी इक्वल टू लैम्डा बाई न्यू होगा, है ना, लैम्डा बाई न्यू नहीं होगा, कैसे बोला था, क्योंकि देखो सी इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई टी, देन सी इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होगा, फिर फ्रीक्वेंसी निकालने जाओगे तो हो जाएगा सी बाय लैम्डा,
ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट और देखो ये दिया हुआ लैम्डा, हम गुना भागा करके निकाल लेंगे, है ना। नाउ इसके बाद वाला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ना, 17 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, और वो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इस सरफेस में आके गिर रहा है, कहाँ पे जी, पॉइंट ए पे गिर रहा है। इस डायग्राम के हिसाब से जब वो लाइट गिर रहा है ना, तो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। ऐसे केस में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ए पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है, मतलब ये वाला एंगल तुमको बताना है, इतना ही सा काम है। ओके, तो ये तो हो जाएगा ना। ये और एक हमारे एसर्शन और स्टेटमेंट वाला केस है, या फिर रीजन वाला केस है। बोल रहे कि देखो तो एसर्शन क्या दिया होगा, जब कभी भी हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, माने इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एसर्शन दिया हुआ है। क्या बोल रहे, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मान लीजिए कि आपके पास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज ऑलवेज जीरो, क्या ये असर्शन सही है कि मतलब अगर एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो क्या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जीरो आता, तो ये आंसर सही है। ठीक है, अब उसका रीजन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, इन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हर एक मॉलिक्यूल जो होता है उनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, बट दीज आर रेंडमली ऑरिएंटेटेड होता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक। अगर याद हो तो वो ना रैंडम घूमता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना तो लाइन डार्क हो जाता है ना। यानी ऐसा और रीजन दोनों ही सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो, ए नंबर। ओके ना, अब इसके बाद देखो हमारे पास बहुत नहीं वो वाला पहला नंबर ड्रॉ है ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक ठीक अब देखो हमारे पास ये एक हमारे पास सर्किट डायग्राम दिया हुआ, इस सर्किट डायग्राम में देखो ये सोर्स है कितना दिया हुआ, 220 वोल्ट का है, और इधर कितना हर्ट्ज का है, 50 हर्ट्ज का है। तो हम लोग देख सकते हैं ना, नेट इम्पीडेंस बताओ इस सर्किट का क्या होगा, अगर ये इंडक्टेंस का वैल्यू 50 बाई पाई, क्या चीज है देखो, एम एच, एच मतलब हेनरी है, ठीक है, और ये क्या कैपेसिटर है, इसका वैल्यू कितना है, 10 to the power 3 by pi हमारे पास माइक्रो फैराडे है, ठीक है, और ये 10 ओम रेजिस्टेंस है। तुमको बोल रहे इम्पीडेंस बताओ, देखो इम्पीडेंस निकालने के लिए पहले एक्सएल फिर एक्ससी फिर जेड निकालेंगे। एक्सएल याद करो हमारे पास क्या था जी, 2 pi FL था, ये इसका फॉर्मूला था, ठीक है, और एक्ससी का फॉर्मूला 1 by 2 pi FC था, ठीक है, अगर याद हो तो। ठीक है, ये FL फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस, हाँ वही फ्रीक्वेंसी हम एफ लिखते हैं ना, हाँ और फ्रीक्वेंसी तो हम एफ लिखते हैं ना, तो ये हो गया FL, एक्सएल इक्वल टू 2 pi FL, और ये 1 by 2 pi FL, और इम्पीडेंस का फॉर्मूला रूट दे देंगे R² + R² + XC - XL का स्क्वायर, इस फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी क्यों नहीं सब सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये हो गया 20 नंबर क्वेश्चन। तो बातें हैं देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बोलता है कि बोल रहा है कि बताओ न्यूक्लियर फिजन, ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरीके का होता है, ठीक है, एक होता है फिजन होता है और एक फ्यूजन होता है। फिजन का मतलब जस्ट होता है स्प्लिट, टूटना, और इसमें टूटता है तो वो E=MC² का फॉर्मूला फॉलो जरूर करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं चेंज इन मास होता है फिर यही मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो देखो अगर E=MC² में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब छोटा सा मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, ठीक है, तो यानी एनर्जी जो रिलीज होता है न्यूक्लियर फिजन में उसका कारण क्या है, मैं कुछ मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, संपूर्ण मास तो नहीं, और डेल एम होता है मतलब बहुत मिनिमम मास होता है, ये सही है ना। अब हमारे पास क्या हो जाए, 22 नंबर क्वेश्चन, देखो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस क्या चीज दिया होगा जी, हमारे पास ना 9 ओम दिया हुआ, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस 9 ओम है, और एक संटेड वायर है, संटेड वायर मतलब एक वायर होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस वगैरह के लिए, तो ये 2 ओम का होता है, ये भी रेजिस्टेंस का काम करता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 9 ओम है। तुम्हें ये पता होगा गैल्वेनोमीटर और संट को हमेशा पैरेलली जोड़ा जाता है ताकि वो एमीटर जैसा काम कर सके, ठीक है, तो बोला कि अगर इस सर्किट में टोटल 1 एम्पीयर इलेक्ट्रिसिटी है तो तुम्हें ये बताना है कि संटेड वायर में हमारे पास कितना क्या हो जाएगा ना, कितना हमारे पास क्या हो जाएगा ना, देन पार्ट ऑफ इट पासिंग मतलब टोटल हमारे पास करंट कितना हो जाएगा संट पे, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है,
23 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास एक ब्लॉक ऑफ मास 2 kg का है, इनिशियली वो रेस्ट पे रहा है, कहाँ पे जी? एक हॉरिजॉन्टली फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, और अगर उस पर फोर्स इतना लगा है तो बताओ अगर वो 0 से लेकर के 3 तक गया है डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसे केस में उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालो क्या, क्योंकि ये मैथ्स वाला आगे सॉल्व करेंगे, है ना? अब देखो हमारे पास 24 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट हम लोग का सेगमेंट हो, फिर इसके बाद आगे चलेंगे, पहले सॉल्व करेंगे इन सबको। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगर अगर बोल रहा है कि अगर मास ऑफ द सन अगर जो है वो कम हो जाए, अगर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन 10 गुना बढ़ जाए, तो बताओ इनमें से कौन से सही नहीं है? ठीक है, तो पहला देखो रेनड्रॉप्स फास्ट गिरेंगे, सही तो है, ठीक है, ग्रेविटी बढ़ जाएगा ना, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड मुश्किल हो जाएगा, ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगा, खींच के पकड़ लेगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगा। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम क्या हो जाएगा ऑन द अर्थ, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फास्ट ये करेगा वो, है ना? सो यानी हमारे पास सिर्फ चौथा नंबर वाला बात है कि जी चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं चेंज होगा, चेंज तो होगा ही होगा, है ना? तो सिर्फ और सिर्फ आंसर किया डी नंबर। ओके, तो ये हम लोगों ने सारे क्वेश्चन का डिस्कशन किया, अब इनका सोल्यूशन। पहला क्या चीज हमारे पास, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन वही था हमारे पास कि ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस में हमारे पास एक पार्टिकल को हमने फेंका, उसका मास क्या है, एम है, और इस मास के साथ दो, चलो देखो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा था हमारे पास ना, एक हमारे पास मोशन था जिसमें से ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या था जी, एम था, और वो क्या हो रहा था, वी वेलोसिटी से जा रहा था, प्रोजेक्शन हो रहा था कहाँ से जी, सरफेस से। ओके, तो यहाँ पे उसका जो वेलोसिटी है वो के वी के बराबर है, जहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वी का मतलब होता है रूट ओवर ऑफ 2g r e, आर ई क्या जी, रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं, ये हम पढ़े हुए हैं। अब तुमसे पूछ रहा है कि बताओ जब इसको प्रोजेक्टाइल कर दिए है तो इसका हाइट कितना होगा, बताओ। क्वेश्चन एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे पास सरफेस से हम एक ऑब्जेक्ट को लिए हैं और उसको फेंके हैं ऊपर की ओर, वर्टिकली अपवर्ड फेंके, फेंके तो कहीं तो वो आके गिरेगा ना, तो ऐसा हुआ एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर बनाएगा, तो उसका वेलोसिटी क्या है, वी है, और उसका मास क्या है, एम है, ऐसे पर्टिकुलर केस में बताओ उसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट होने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए उसका इनिशियल एनर्जी क्या होगा और फाइनल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इस समय अगर तुम देखोगे इनिशियल एनर्जी जो होगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम ई एम बाई आर ई होगा, ये टोटल एनर्जी होता है, हम लोग जानते हैं ये कैसे निकाला जाता है, ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़े। ओके, और फाइनल क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, क्योंकि फाइनल जब पहुंच जाएगा एकदम मैक्सिमम हाइट में, वेलोसिटी तो उसका 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी तो कुछ रहेगा नहीं, तो यानी इस समय उसका जो ई फाइनल हो जाएगा वो माइनस जी एम ई एम बाय आर ई प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि अब हाइट ऐड हो गया। नाउ देखो इतना सिंपल है, और हम लोग ये बात जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से, आपका दोनों एनर्जी क्या हो जाएगा, सेम होना चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं ई आई इक्वल टू क्या होगा, ई एफ हो जाएगा, जो हमारे पास हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम ई एम बाय आर ई इक्वल टू माइनस जी एम ई एम बाई क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच हो जाएगा। नाउ इस चीज को अगर देखोगे तो इसको उधर लेके जाते हैं, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई एम बाय आर ई माइनस जी एम ई एम बाय आर ई प्लस एच होगा ना, इसको इधर लेके गए उधर प्लस हो जाएगा, तो अब हम लोग एलसीएम करेंगे, ये कितना हो जाएगा, आर ई आर ई प्लस एच हो जाएगा। ओके, सो अब एलसीएम किए तो इसका हमारे पास, अच्छा ये चीज को एलसीएम करने से पहले काम करता है, इसमें कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जी, हाँ एम एम को कॉमन ले लेते हैं, ये तो फिर ना झंझट हो जाएगा, आर ई प्लस एच ये हो गया। अब देखो हमारे पास जी एम ई एम, इसको हम लोग करेंगे एलसीएम करेंगे तो इधर आर ई प्लस एच माइनस आर ई डिवाइडेड बाय हो जाएगा आर ई प्लस एच हो गया ये, तो आर ई और आर ई कट जाएगा, तो ये हो गया जी एम ई एम, ये हो जाएगा एच बाई आर ई, ये हो जाएगा आर ई प्लस एच, ये क्या निकल गया जी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और भी हम लोग वहां निकाल के रखे हैं वी इक्वल टू के रूट ओवर ऑफ 2g r e, है ना? अब हम लोग इसको उसके साथ यूज करेंगे, है ना?
इसको इधर हटा रहे थोड़ा सा। तो देखो हमारे पास आया क्या, आपको एम भी स्क्वायर इक्वल जी एम ई एम एच बाई क्या हो जाएगा, आर ई इंटू आर ई प्लस एच। तो भी का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, भी का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर रूट हट जाएगा, टू जी आर ई इक्वल टू जी एम ई एम एच बाई आर ई, ये हो जाएगा आर ई प्लस एच, है ना। तो देखो एम और जो जो कटेगा उसको अलग कलर में काट देते हैं। तो ये एम कट गया एम के साथ, जी कट गया नहीं कटेगा, रुको रुको रुको, इसको काटने का व्यवस्था करते हैं हम, है ना, इसको काटने का उपाय लगा देते हैं। सपोज करो हम लोग जानते हैं जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम बाय आर एम का स्क्वायर होता है ना। तो जी इक्वल टू जी माने जो जी तो हमारा यूनिवर्सल है, ठीक है, आर ई का स्क्वायर। तो जी एम इक्वल टू क्या कर सकते हैं, आर ई का स्क्वायर इंटू जी, तो ये जो देख पा रहे हो ना जी एम ई, ठीक है, ये वही है, एम ई ही है। इसके बाद लोग पुट कर देते हैं, तो हाफ ऑफ एम का स्क्वायर टू जी आर ई इक्वल टू, इसके बदले क्या पुट करेंगे, जी आर ई का स्क्वायर इंटू एम इंटू एच बाय आर ई इंटू आर ई प्लस एच। अब जो जो काटेगा उसको काट दिया जाए। तो देखो एम और एम कट जाएगा, है ना, और हमारे पास जी और जी कट जाएगा, एक आर ई कट जाएगा, और बचा के टू और टू इधर कट जाएगा, और के स्क्वायर बचा है और बाकी ये सब है ना। अच्छा एक आ रही और एक आ रही, ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, ले दे करके के स्क्वायर इक्वल टू एच बाई आर ई प्लस एच बचा है ना। अब इसको हम लोग आगे चल के सॉल्व करेंगे उधर, देखो ये जगह में काफी हो जाएगा। तो हमारे पास आया क्या, ये हमारे पास के स्क्वायर एच बाई है ना आर ई प्लस एच। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, के स्क्वायर आर ई प्लस के स्क्वायर एच, है ना, इक्वल टू क्या होगा एच। तो हम लोग कह सकते हैं के स्क्वायर आर ई इक्वल टू एच, के स्क्वायर एच देन के स्क्वायर आर ई इक्वल टू एच कॉमन लेंगे, 1 माइनस के स्क्वायर देन एच इक्वल टू के स्क्वायर आर ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस के स्क्वायर। देखो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग आर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास 1 माइनस के स्क्वायर, वो आर ही मतलब ही आर है ना, वो आर के लिए हम लोग लिखे, तो यहाँ पे 11 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे लिख दोगे ऑप्शन ए हो गया 11 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन, है ना, बात समझ पाए जी। चलो जी, अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन ये वही वाला था, हमारे पास ये सर्किट था हमारा, है ना, इस सर्किट में इस तरह से यहाँ पे 4 ओम वाला था, यहाँ पे हमारे पास 3 ओम था, और इस जगह में भी हमारे पास 3 ओम है, और नहीं सॉरी ये 0.5 ओम है, और ये हमारे पास सर्किट आगे चला है इस तरह से, और यहाँ पे जुड़ गया है। तो यहाँ पे हमारे पास एम पॉइंट है, यहाँ एन पॉइंट है, यहाँ पी पॉइंट है, ये 4 ओम है, यहाँ पे आपके पास 3 ओम है, 0.5 ओम है, 0.5 ओम है ना। सर्किट में 1 एम्पियर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी कहाँ पे, पी और एम के बीच में, ठीक है, पी और एम के बीच में हमारे पास करंट कितना, 1 एम्पियर है। ये सर्किट डायग्राम है, इसको डीसी सोर्स से जोड़ा गया है, देख सकते हो पी टर्मिनल है, एन टर्मिनल है, एम टर्मिनल है। यहाँ पे देखो 4 ओम है, यहाँ 3 ओम है, 0.5 ओम, 0.5 ओम है, यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, 1 ओम का है, ठीक है। तो बोल रहा है कि पी और एम के बीच में यहाँ पे 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, और या फिर यहाँ पे बोल सकते हो कि 4 ओम जो रेजिस्टर है यहाँ पे हमारे 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिसिटी है। सब कुछ दिया हुआ है, इसको जोड़ा हुआ है, कहाँ से एक सोर्स के साथ जोड़ दिया गया, डीसी सोर्स वगैरह है। इसमें तुमको बोल रहा है कि अगर ये हमारे पास कोई एक सर्किट कंस्ट्रक्शन है तो सिर्फ तुमको इतना ही बताना है कि एन और एम मतलब इस दोनों के बीच में यहाँ पे हमारे पास करंट कितना है, करंट निकालने बोला है, नहीं वोल्टेज निकालने बोला, वोल्टेज कितना है, ठीक है, यहाँ पे इतना दूर पे हमारे पास वोल्टेज कितना है, ठीक है। तो ये सर्किट है, सिंपल सा सर्किट देख पा रहे हो पूरा। सबसे पहले क्या काम करोगे,
देखो बोल रहा है कि इस जगह पे हमारा 4 ओम है और करंट इलेक्ट्रिसिटी कितना 1 एम्पियर है। तो तुम बोल सकते हो कि भाई पी और एन के बीच में या फिर इन दोनों टर्मिनल के बीच में मेरे पास वोल्टेज क्या हो जाएगा ना, वी इक्वल टू क्या आता है, आई आर। आई तो हमारे पास कितना है, 1 है ना, तो आई हमारे पास 1 है और ये 1 हो गया और आर कितना हो गया, 4 हो गया, ये क्वेश्चन में दिया ही हुआ है ठीक है। तो 4 वोल्ट हो गया, अगर इसका 4 वोल्ट तो इसका भी क्या होगा, 4 वोल्ट ही होगा। देन इस सर्किट को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास 4 वोल्ट वोल्टेज है क्योंकि पूरा सर्किट में करंट 1 ही है। तो बोल सकते हैं कि ये वोल्टेज हमारा पी से लेके एम तक में काम करेगा। पर सबसे पहले वो तो सॉर्ट आउट हो गया, ऊपर वाला नीचे वाला एक रेजिस्टेंस निकालना हो। तो सबसे पहले देखो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये तो पैरेलल है ना, पहले इनका नेट निकाल लो। आर नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/0.5, 1/0.5, तो 10/5, 10/5, तो ये क्या हो जाएगा, 20/5। यानी हम ऐसा कह सकते हैं आर नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4। आर नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. ये हो जाएगा 0.25 होगा, ये जो हो जाएगा इसका हो गया 0.25 और ये कितना है, 1 है। तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक नेट रेजिस्टेंस 1.25 ओम हो गया ठीक है। हमने वोल्टेज निकाल लिया है ठीक है। अब देखो हमारे पास वोल्टेज अगर निकाला हुआ तो भी इक्वल टू हम लोग जानते हैं आई आर होता है, आर मतलब क्या होगा नेट। तो हमारे पास वोल्टेज कितना हो गया, 4 ठीक है। हमारे पास करंट हमको निकालना है इस पूरा सर्किट का ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आर नेट कितना आया, 0.25 + 1 था 1.25, तो करंट इक्वल टू क्या होगा, 4/1.25। इसे सॉल्व करोगे तो कितना होगा, देखो 5 × 5 = 5, 5 × 8 = 8, 5 × 5 = 5, 16, तो कितना हो जाएगा, 16/5। ये कितना हो गया, करंट इसका 16/5 हो गया। नाउ अब करंट आ गया है और रेजिस्टर दिया हुआ है 1.25 होगा ना, क्योंकि उधर एक 1 है। तो ये हमारे पास अब इसका पूरा का हमारे पास क्या हो गया, करंट निकल आया ठीक है। अब हमको सिर्फ इसका वोल्टेज निकालना है। तो फिर से वही वी इक्वल टू हमारे पास आई आर है, देन वी इक्वल टू आई कितना आया जी, 16/5, और रेजिस्टेंस कितना है जी हमारे पास ना, 1 ही है ठीक है। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/5 वोल्ट होगा, होगा ना। तो इसको चाहो तो ऐसा करके 5 किया और 5 दूनी तो कितना हो जाएगा, 3.2 वोल्ट हो जाएगा। सिंपल हमारे पास क्वेश्चन है ना, एक सर्किट ऐसा ऊपर में दिया होगा, उसमें बोला कि 4 ओम रेजिस्टर में 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है। तो चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका जो वोल्टेज होगा इसका भी वही वोल्टेज होगा, क्योंकि पी और एम टर्मिनल के बीच मतलब वही वोल्टेज सबके लिए होगा। अगर वही वोल्टेज है तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया, वी इक्वल टू वाई आर करके टोटल यहाँ से करंट निकाल लिया। जब टोटल करंट निकाल दिया तो इस रजिस्टर में गुना करके भागा कर देंगे, हमारा यहाँ पे क्या निकल गया, वोल्टेज निकल गया। सिंपल हमारा प्रोसेस, समझ पाए जी ठीक है। चलो तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन होगा है ना। अब 14 नंबर तो हो गया, 5वां नंबर कहते हैं सर, 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे है ना। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहे देखो, एक इंसान क्या कर रहा है ना, एक सरफेस से यहाँ से पत्थर फेंक रहा है जी है ना, कोई चीज को पत्थर फेंक रहा है। मान लो एक इंसान यहाँ से खड़ा होकर के एक के बाद एक पत्थर फेंक रहा है ठीक है, और एक पत्थर फेंका फिर दूसरा पत्थर फेंक रहा है, हर दो पत्थर फेंकने के बीच में कितना समय का गैप हो रहा, 2 सेकंड। मतलब एक पत्थर फेंका फिर दूसरा पत्थर फिर तीसरा पत्थर, इनमें 2 सेकंड का अंतराल है ओके। तो बोल रहा है कि बताओ ना वो चीज क्या हो जाएगा, उसका स्पीड कितना होगा, जिससे क्या होगा उस समय की स्पीड बताओ क्या होगा, जब मिनिमम 2 बॉल्स हवा में रहेगा ही रहेगा। बात समझ पा रहे हो, क्वेश्चन एकदम स्पष्ट है। तुम खड़े हो गए 2-3 पत्थर लेकर के फेंक रहे हो, एक पत्थर फेंके 2 सेकंड, दूसरा 2 सेकंड के बाद तीसरा पत्थर, 2 सेकंड के बाद फिर 14 पत्थर। वो समय बताओ जब आसमान में 2 पत्थर है, तो उस समय पत्थर का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा ठीक है, मतलब थ्रो का पत्थर का नहीं फेंकने का स्पीड कितना रहा होगा, समझे ना। तो चलो हम लोग जानते हैं वी इक्वल टू क्या होता है, u − gt, क्योंकि ये ग्रेविटी के खिलाफ है। तुम सोचो जब कोई पत्थर मैक्सिमम वेलोसिटी पे यानी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है, सॉरी मैक्सिमम हाइट पे, तो उसका वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा है ना। तो वी इक्वल टू 0 तो लिख सकते हो 0 = u − gt, देन u इक्वल टू क्या हो जाएगा, gt। अब देखो u इक्वल टू तुम इसे 9.8 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, और टाइम कितना है जी, 2 सेकंड का अंतराल। तुम बोल सकते हो यहाँ पे कितना हो जाएगा ठीक है,
16, एक कितना हो जाएगा, और 16 9 18 का 19, 19.6 मीटर पर सेकंड। और अगर 10 लोग है तो और ज्यादा आ जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी जो तुम देख पा रहे हो ना तीसरा नंबर ऑप्शन, मोर देन 19 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड हो सकता है, समझे। हाँ चलो, ये हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन हो गया है ना। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या देख रहे हो ना, बोल रहा है कि कोई एक द फ्रीक्वेंसी निकालो अगर विच इज बेस्ट सुटेड टू ऑब्जर्व पार्टिकल ऑफ रेडियस कितना। मान लेते हैं एक पार्टिकल है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ, 3 × 10⁻⁴ मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये किसे पार्टिकल है, सॉरी सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। कोई एक पार्टिकल है जिसका रेडियस दिया हो 3 × 10⁻⁴। तुमको बोल रहा है कि बताओ ये बेस्ट सुटेबल होगा किसी एक तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच इज बेस्ट सुटेड टू ऑब्जर्व अ पार्टिकल ऑफ रेडियस इतना, मतलब कोई एक पार्टिकल बताओ जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऑब्जर्व करना आसान होगा। पार्टिकल का जो वेवलेंथ होता है ना वो पार्टिकल का डायमेंशन से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास मान लेते हैं लैम्डा कितना हो गया, 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो तुमको बताना है कि इस समय उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, इसका ना किस ऑर्डर का फ्रीक्वेंसी में ये पार्टिकल होगा। तो हम लोग जानते हैं ना वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, λT। देन हमारे पास वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, देन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी बाय लैम्डा। क्योंकि ये हमारे पास पार्टिकल्स लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, भी ना लिख के उसे क्या लिखोगे सी, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हम लोग कहेंगे ना सी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इस पार्टिकल का वेवलेंथ 3 × 10⁴, 3 3 कट चुके मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास -2 और आ जाएगा, है ना। हाँ मान लो कि अगर सेंटीमीटर का आंसर निकालते हैं, सपोज करो लाइट का स्पीड, हाँ मीटर पर सेकंड में, ठीक है। चलो इसको चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास एफ इक्वल टू क्या होगा, 3 × 10⁸ होगा, तो ये 3 × 10⁻⁶ होगा ना, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू 10⁸ + 6, और 10⁴ कितना होगा, 814, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, होना तो यही चाहिए, ओके ना। ये कितना हो गया हमारे पास, 16। 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है ना, इस तरह का हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन है, इस पे बोल रहा है कि आपका एक लाइट आकर के इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और रिफ्रैक्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो अब तुमको ये बताना कि अगर ये उसका एंगल 30 डिग्री का रहा हो, ये एंगल इंसिडेंट एंगल नहीं है, सरफेस के साथ है, तो तुम्हें ये बताना कि बताओ रिफ्रेक्टिव एंगल कितना होगा, ठीक है। और अगर इस समय इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका √3 दिया हुआ है, मतलब N1 और N2 का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, मतलब N1 मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है, N2 मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स √3 है, लाइट आके गिर रहा है कहाँ पे, पॉइंट ए पे मान लो गिर रहा है ना, और सरफेस के साथ वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री, और यहाँ से गिरने के बाद वो क्या हो रहा है ना, रिफ्लेक्ट करके चला जा रहा है, और क्या हो रहा है ना, रिफ्रैक्ट भी कर रहा है। तो तुमको बताना है कि ये एंगल कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या जानना है ना, तुमको एक सिंपल मैथमेटिक्स करना है, वो क्या चीज, अगर ये 30 का है तो ये कितना का होगा, 60 का, अगर ये 60 का तो ये भी क्या होगा, 60 का ही होगा। तो तुम अगर अभी बोल सकते हो कि भाई वो 30 का हो जाएगा, तो तुम रिफ्लेक्टेड एंगल तो निकाल लिए कि वो भाई 60 का होगा, ठीक है, यानी रिफ्लेक्टेड लिख देते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल आ गया। अब सवाल है कि हमको रिफ्रैक्टेड निकालना है, तो रिफ्लेक्टेड का फॉर्मूला क्या होगा, N1 sin I = N2 sin R। तो अब देखो हमको निकालना क्या, साइन आर ना, तो साइन आर इक्वल टू N1 sin I बाई क्या हो जाएगा, N2। दिया हुआ है N1 कितना 1, N2 कितना है √3, साइन आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, sin 60, तो 1/√3, √3/2 कट जाएगा, तो कितना होगा 1/2। तो साइन आर इक्वल टू हो गया 1/2, यानी साइन आर इक्वल टू 1/2 में कितना होता है ना, साइन 30 डिग्री में होता है, ठीक है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं 30 डिग्री हो सकता है। तो
पर इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये एंगल कितना का होना चाहिए, या 30 डिग्री का होना चाहिए, तब क्या होगा ये लाइट आकर के रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा। ठीक है पुनः। अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या था जी, 17 के अंदर 18 नंबर तो एसरशन और डिजन वाला था, तो हम लोग 19 वाला देखते हैं। तो देखो 19 वाला वही था, इम्पीडेंस निकालना था। ये हमारे पास सर्किट है, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास सोर्स है। ठीक है, ये कितना का था जी हमारे पास, ये 50/π mH। ये कितना है जी, 10³ μF है, और ये कितना जी हमारे पास 10 ओम है, और ये कितना हो जाएगा जी 220 है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे नेट इम्पीडेंस कितना होगा, तो इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। ठीक है, ये सब हमारे पास रेजिस्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर, रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर, और ये हमारे पास नॉर्मल रेजिस्टर है, सबका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखो XC का फॉर्मूला होता है 1/2π फ्रीक्वेंसी इंटू कैपेसिटर, XL का फॉर्मूला होता है 2π फ्रीक्वेंसी इंटू इंडक्टर। सारे वैल्यूज निकालना चाहो तो निकालोगे, जैसे 1/2π, ये हमारे पास क्या हो जाएगा FC। F कितना है जी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी 50। ठीक है, और C कैपेसिटर कितना दिया हुआ जी, देखो 10⁻³ × 10⁻⁶। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो मैं बता दे रहा हूँ, तुम लोग इसको घर में बना कर देखना, है ना। ये आएगा 10। ठीक है, ये कितना आएगा 10 ओम आएगा इसका, है ना। और इसको जब सॉल्व करोगे 2π × 50 × इंडक्टर कितना है 50, है ना। ये आएगा हमारे पास पाई है, मिली है, तो यानी 10⁻³ होगा इंटू, हो गया, ये पूरा वैल्यू डाल दिए और एल एल का डाल दिए हैं। ठीक है, और 50 तो ऑटो डालना है जी, वो भी डाल दिया, ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 5 आएगा, सॉल्व करके देखो 5 आएगा, है ना। अब इम्पीडेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर मतलब क्या होगा, 10 तो है ही है, और हमारे पास XC का मतलब क्या आएगा 10, वो कितना है 5² का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 10 10 100, 5 5 25, तो ये कितना होगा 125, तो 5√5 आएगा आपका। ठीक है, ये इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, है ना, 5√5 ओम आएगा। इस तरह से कोई सर्किट का इंपीडेंस आराम से निकाल सकते ना। अब देखो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, ना 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास बोल रहा है कि हीलियम है आपके पास, ठीक है, हीलियम है, और उसमें अगर 4 तो हीलियम लेते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, पर एटम में 4 हीलियम एटम आपका एक ऑक्सीजन एटम का निर्माण करता है। अक्सर बोल रहा है कि हीलियम का मास कितना है, 4.0026 U, और ऑक्सीजन का मास अगर है गैसेस 15.994 U। तो इस समय बताओ तुमको बोल रहा है कि एनर्जी पर ऑक्सीजन न्यूक्लियस कितना होगा, क्वेश्चन समझो ना। हीलियम आपके पास एटम है, 4 हीलियम एटम आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दूसरे एटम में कन्वर्ट हो रहा है। अगर एक हीलियम का इतना एटॉमिक मास यूनिट होता है और ऑक्सीजन का इतना एटॉमिक मास यूनिट होता है, तो बताओ इक्विवेलेंट एनर्जी कितना होगा। इक्विवेलेंट एनर्जी इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर में निकालते हैं, जिसको हम लोग AMU का अमाउंट निकाल सकते हैं। तो देखो पहले तो तुम डेल एम निकालो, 4 × हीलियम एटम माइनस ऑक्सीजन एटम, है ना, 8 14, तो 4 × 4.0026 माइनस ये कितना हो जाएगा 15.994, ये आएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या चीज में जी, AMU में आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसी चीज को अगर तुमको बोले कि भाई हमको AMU के रूप में निकालना है, तो इसका वैल्यू देखोगे ना तो 0.011 AMU के आसपास कहीं होगा, है ना, लगभग लगभग सॉल्व करोगे तो ऐसा आएगा। तो इसी चीज को अगर पर यूनिट अगर तुम AMU में निकालना चाहो, तो इसमें क्या करना होता है, 0.11 × 931 MeV तुम्हें गुना करना होता है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि तुमको पर AMU निकालो,
बोला कि पर ऑक्सीजन तो तुम यह न्यूक्लिया निकालो, तो इसमें तुमको ऑक्सीजन का मास को फिर डिवाइड दे देना है। जब इसे डिवाइड करोगे तो 10.24 के आसपास कहीं पे इसका वैल्यू आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना, लगभग ऐसा ही कुछ आएगा। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है जी, 21 नंबर हो गया है ना, 22 नंबर। देखो 22 नंबर क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 9 ओम है, और एक शंट है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, और यहाँ पे टोटल करंट कितना दिया हुआ, 1 एम्पियर दिया हुआ है। ऐसे केस में तुमको बताना है कि ना शंट पे कितना करंट होगा, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, तो पहला चीज देखो, हम लोग ये जानते हैं गैल्वेनोमीटर और शंट में कनेक्शन पैरेलल होता है। ठीक है, तो तुम इनका नेट रेजिस्टेंस पहले निकाल लो, 1/R नेट इक्वल टू क्या होगा, 1/9, 1/2, तो ये हो जाएगा 18, 2 + 9 कितना हो गया, 11/18, 1/R नेट। देन आर नेट इक्वल टू क्या, 18/11 ओम हो गया। ये तो आपका नेट रेजिस्टेंस निकल गया। नाउ अगर ये नेट रेजिस्टेंस निकला है तो आप तुमको बोल रहे कि बताओ शंट पे कितना करंट रहा होगा। ठीक है, तो अगर हमको ये मिला है तो पहले तो ये समझे कि उस सर्किट में, जिस सर्किट में कनेक्शन रहा होगा उसको वोल्टेज कितना रहा होगा। तो तुम कह सकते हो वी इक्वल टू आई आर होता है, एंड वी इक्वल टू आई कितना जी हमारे पास 1, और ये 18/11, तो वोल्टेज इक्वल टू कितना होगा, 11/18/11 वोल्टेज हो जाएगा ना। अब संट का तुम करंट निकालना है, तो संट का करंट निकालने के लिए वी इक्वल टू आएगा ना यार, तो वोल्टेज कितना हो गया, 18/11, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ, 2 है ना, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18/11 × 2 एम्पियर, तो यानी कितना हो जाएगा, 9/11 एम्पियर, यानी कितना हो जाएगा, 0.8 के आसपास कहीं पे आएगा इसका एम्पियर आएगा। बस समझे, एक सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास गैल्वेनोमीटर और शंट कनेक्टेड, करंट इतना दिया गया, शंट का करंट बताओ, पहले इनका नेट रेजिस्टेंस निकाल, फिर उस पूरा सर्किट का नेट वोल्टेज निकाल, तो बस शंट का करंट निकाल। एक बार चलो, इसके बाद हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चन है। देखो 23 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक ब्लॉक ऑफ मास है कितना केजी का, ये एक ब्लॉक ऑफ मास 2 के, ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिस जगह पर रखा हुआ था ना वो 0 मीटर है जी। यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगा है हमारे पास 9 − x² N I²। ठीक है, तो बताओ अगर इसे हम 3 मीटर तक लेके चल जाए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो पहले तुमको तो 0 का निकालना है, 0 to x का। ठीक है, तो k इक्वल टू हो जाएगा 0 to x हो जाएगा F × dx, तो ये k हो जाएगा 0 to x, f का वैल्यू कितना दिया हुआ, 9 − x² dx होगा, तो ये हो जाएगा, होगा ये जो होगा ना x³/3 होगा, और ये 0 to x पुट किया, तो k इक्वल टू हो जाएगा 9x माइनस, हमारे पास क्या हो जाएगा, वो x³/3 ही रहेगा, कितना दूर। अब बोल रहा है कि देखो वो 3 मीटर तक गया है, तो बताओ उसका क्या हो जाएगा, जब एक्स मैक्सिमम 3 तक गया है तब उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, के इक्वल टू 9 × 3, कैसे नहीं आएगा, 9 × 3, 3³/3, तो ये 3 × 9 = 27, और ये कितना हो जाएगा, 27/3, तो ये हो जाएगा 3 × 27 − 1 × 27/3, तो बचेगा क्या, 2 × 27/3, है ना, होगा ना ऐसा, हाँ भाई, ये 54/3 होगा। तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करोगे तो 18 × 3 = 54 होता है ना, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम एनर्जी।